के कांग्रेस मैन, उन्होंने ये बोला, मैंने आपको बताया कि भाई मोदी जो उनसे है उनकी जरूरत है इस टाइम अमेरिका की, मोदी जरूरत है क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमी है उनकी जो मशीयत है बहुत बड़ी है। साल दूंगा मोदी जी अमेरिका से चले, फ्रांस गए, ग्रीस गए, यूएई गए और एक दिन पहले 9 घंटों के लिए जकार्ता गए। एक पूरी कंपेन नजर आ रही है और उसमें सारी कौम उनके साथ नजर आ रही है, सिर्फ एक आदमी सारा जहाज लेकर नहीं घूम। अगर एक बंदा स्कूल भी नहीं गया, एक एग्जांपल के तौर पे, ठीक हो गया, पांचवी बड़ी इकॉनमी उन्होंने कैसे उन्हीं के दौर में बनी, चांद पे कैसे चले गए उन्हीं के दौर में गए, अभी उन्होंने अनाउंस किया है कि अगर मेरा थर्ड टेन्योर आएगा तो मैं थर्ड इकॉनमी मतलब लार्जेस्ट इकॉनमी, ये कैसे इसे, मैं तो फिर ओपनली कहूंगा भाई पाकिस्तान में भी इसी तरीके से कोई अनपढ़ आ जाए ना, हमें जो उनसे वो कोई लंदन से पढ़ के आए ना ही ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए, पाकिस्तान में भी कोई चाय वाला जिंदगी हो गई हमें अमेरिका के साथ चलते हुए, जो मर्जी हम गालियां भी देते हैं चलते भी उनके साथ, इवन जंगों में उन्होंने हमारा साथ दिया बिल्कुल। हम तो चलो शेर ही हैं, वो तो हम शेरों के साथ हम मुकाबला करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, हो नहीं सकती, वो गधे हैं कुत्ते हैं वो वही रहेंगे। जय हिंद दोस्तों, दोस्तों आप सभी का एक और न्यू वीडियो में स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अमेरिका जो है वो सुपर पावर है इस वक्त, लेकिन अब अमेरिका ही खुद ये कह रहा है और वहाँ के लोग कह रहे हैं कि हमें मोदी जैसे प्रधानमंत्री की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने देखा कि किस प्रकार से मोदी जी के आने के बाद भारत की इकोनॉमी काफ़ी तेजी से बढ़ी है और उन्होंने बड़े बड़े फैसले और इसके साथ बहुत सारी स्कीमें चलाई हुई हैं। इसी वजह से अमेरिका के लोग भी जान चुके हैं कि मोदी जी चाहे इतने पढ़े लिखे ना हों लेकिन अपने देश को आगे चलाने में हमेशा काम कर रहे हैं। इसी वजह से अमेरिका में इस वक्त कहा जा रहा है कि मोदी जैसा लीडर होना काफी अच्छी बात है और ये हमारे देश के लिए भी अच्छा होगा अगर हमारा कोई मोदी जैसा लीडर निकले। इस वक्त दोस्तों अमेरिका में दो भारतीय मूल के जो है वो लोग इस वक्त प्रेसिडेंट की दौड़ में शामिल हैं, जिसमें से जो है वो उन दोनों के बनने में से एक कोई बन सकता है। इसी वजह से अमेरिका के लोग अब ये कह रहे हैं कि अब भारत जैसे किसी बड़े देश के साथ रिलेशन रख के ही हमारा फायदा है और वहाँ के लोगों की जो लीडरशिप है उसी से हमारा भला हो सकता है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाली है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो दोस्तों आप बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस टाइम अगर पाकिस्तान की बात करें, पूरी दुनिया के साथ जो रिलेशन है वो किस तरीके से चल रहे हैं, और नेबर इंडिया की बात करें उनके रिलेशन पूरी दुनिया के साथ, अभी जो यूएस के कांग्रेस मैन है उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है कि जो बाइडन को पीएम मोदी की जरूरत है, ठीक है, यानी रिलेशन इस लेवल के चलेंगे, और हम जाते हैं उनके पास, आईएमएफ के पास जाते हैं तो पैसों के लिए, यूएस के पास जाते हैं पैसों के लिए, रशिया के पास जाते हैं पैसों के लिए, सऊदीया के पास जाते हैं पैसों के लिए। आपको पता है इंडिया का जीडीपी कितना है? 600 अरब डॉलर है। रिजर्व जी है कितना है हमारा? तो दो तीन चार अरब। दुनिया की सबसे बड़ी जो इकोनॉमी है वो उस तो इंडिया की है भाई है। अच्छा, 20 समिट हुआ है, G20 हुआ है उधर। किसी भी जो विजिटर आया प्रेसिडेंट है उसको मोदी ने रिसीव नहीं किया, आपने देखा? नहीं, यूएस के प्रेसिडेंट को आई थिंक रिसीव किया था। वो तो उनके अब अच्छा, उनको भी नहीं किया इसने। अच्छा। और उसने सबको ये कहा कि किसी ने भी रशिया की मुजम्मत नहीं करनी, ओके। सऊदीया भी गया है, ऐसा ही है, सऊदीया ने तो बल्कि पहले यहाँ आना था, इधर वो नहीं आएगा। तुर्की ने आपकी सपोर्ट की थी, ऐसे ही, ठीक है, उस तुर्की का सदर गया उधर, ठीक है, और उन्होंने बड़ी स्टेटमेंट भी दी है, तुर्की है के स्टेटमेंट दी है ना कि हम अफगान इंडिया के साथ हैं। जिस तरीके से G20 में कंट्रीज आए हैं, जिस तरीके से आके उन्होंने प्रेज किया, तारीफ की है इंडिया की, और अभी यूएस के कांग्रेस मैन उन्होंने ये बोला, मैंने आपको बताया कि भाई मोदी जो उनसे है उनकी जरूरत है इस टाइम अमेरिका की, मोदी जरूरत है क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमी है उनकी जो मशीयत है बहुत बड़ी है, अगर वो एक पेंसिल भी बेचे ना तो 135 अरब पेंसिल बिकती है, 135, ठीक है, उसके बाद चाइना आ गया, उसके बाद अमेरिका आ गया, और आप कहाँ पे खड़े हैं? कोई मुल्क आपका साथ नहीं दे रहा, भीख मांग रहे हैं जाके भिखारियों की तरह, मैं मांगने तो नहीं आया, बस हेल्प मजबूरी है, ऐसे ही है। अब बेड़ा गर्क हो गया अफगानिस्तान, 50 लाख अफगानियों को आपने पनाह दी, ऐसे ही है, अब वो आपको जूते की नोक पे रख रहे हैं। इधर मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा, आपने बोला पनाह दी, हमने उन्हें यहाँ पे रहने को जगह नहीं दी, लेकिन उसके पीछे भी फिर आपको नॉलेज होना चाहिए, मजा आ रहा है इनके, मतलब पूरी सुन लेना, पूरी सुने आप बात, पनाह दिया आपने, ठीक हो गया, आपके ऊपर पाकिस्तान पर हमले कहाँ से होते हैं? नहीं सर, मुझे एक मिनट बताएं, मैं यही बात करने लगा, आपने बोला पनाह दी, हमने उन्हें यहाँ पे रहने को जगह दी, उसके बदले में भी हमने डॉलर लिए, ऐसे ही है कि नहीं? आप इसे डिसएग्री करते हैं? डॉलर लिया, हीरोइन आई, क्लैशन ऑफ कल्चर आया, यही चीज है, बेड़ा गर्क हो गया, ठीक है। तो जब अफगानिस्तान की आपने मदद की, हमारे भाई जवान जाते रहे, शहीद होते रहे जा जाके, जब उन तालिबान की हुकूमत आ गई, हमने जश्न मनाया, आपने उनसे बोला कि TTP के वहाँ पे हेडक्वार्टर है कंधार, इसको खत्म करें,
वो कहते हैं टीटीपी तो वो जमात है जिसने हमारे साथ मिलकर अमेरिका के साथ जंग लड़ी है, ठीक है, हम इसको क्यों मना करें? ये सारी चीजें हम देख रहे हैं, मैं एक आम पाकिस्तानी हूँ, आप भी इस टाइम एक आम पाकिस्तानी है, आपको ये इंटरनेशनल लेवल की जो चीजें पता चल रहा है, हमारे पॉलिटिशियन को क्यों नहीं पता चल रहा है? जिस तरीके से इंडिया के रिलेशन तमाम कंट्रीज के साथ बेहतर हो रहे हैं, कभी रशिया की तरफ से अप्रिसिएशन की मतलब स्टेटमेंट आती है, कभी यूएस की तरफ से स्टेटमेंट आती है कि इंडिया जो है बहुत बेहतरीन डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी यूके के प्राइम मिनिस्टर जो है वो इस तरीके से स्टेटमेंट देते हैं, यानी सऊदीया इवन जो है वो स्टेटमेंट देता है, पाकिस्तान इधर बिल्कुल साइड पे नहीं होता जा रहा। कभी तो हम फख्र करते थे कि भाई जो भी है सऊदीया हमारे साथ है, तुर्की हमारे साथ है, आज तुर्की ने कह दिया हम यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी जो है वो कौंसिल है परमानेंट मेंबर बनाने, वो तो मर रहा है क्योंकि वो यूरोपीय यूनियन में जाना जाता है, वो ठीक है, तुर्की जो है अब आप में इतनी एबिलिटी नहीं है ना, आपको चाहिए कोई कायदे आजम जैसा बंदा, ठीक है, वो हमें एक ही बंदा नजर आया था, उसकी झलक नजर आई थी, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं इसको तो जीने नहीं देना हमने, ठीक है। और अब दूसरी बात यह है कि आप कह रहे हैं ना कि अमेरिका उसकी सपोर्ट कर रहा है, क्यों कर रहे हैं? वो उभरती हुई ताकत है, आप 75 साल हो गए हमें उभरती हुई ताकत, ये इंडिया ठीक है, हमसे 1 साल एक दिन बाद आजाद हुआ है, ठीक है, और चाइना 2 साल बाद हुआ है, ठीक है, वो तो पहुंच गया चांद पे, अब वो कहते हैं नाउज बिल्ला मुसलमानों तुम्हारे खुदा की मर्जी के बगैर कोई चांद पे जा नहीं सकता, हम पहुंच गए हैं, ठीक है, और आप खुद अभी पहुंचे नहीं हो, आप तो पहुंचे नहीं है वहां। साल दूंगा मोदी जी अमेरिका से चले, फ्रांस गए, ग्रीस गए, यूएई गए, और एक दिन पहले 9 घंटों के लिए जकार्ता गए, एक पूरी कंपेन नजर आ रही है और उसमें सारी कौम उनके साथ नजर आ रही है, सिर्फ एक आदमी सारा जहाज लेकर नहीं घूम रहा था, डॉक्टर जयशंकर साहब भी उनके साथ थे, पूरी कौम उनके साथ है। चंद्रयान का जो एक पूरा जिस तरह सबसे बड़ा मैं एक फायदा बताता हूं चंद्रयान का, जो मैं मेरी नजर में चंद्रयान ने कि उसने भारत को यूनाइट कर दिया एक झंडे के नीचे, जितना बहुत बड़ा एक बूस्ट मिला है आपके नेशनलिज्म को, मैं समझता हूं उसका असर अगले 20 से 25 साल रहेगा। और उसमें मैं बल्कि आखिरी चीज कोट करना चाहूंगा, G20 के आखिर में आपकी प्रेसिडेंटशिप गई है ब्राजील के पास, लुलू सिल्वा ने जो इंटरव्यू दिया उन्होंने उसमें उसको टेस्टिफाई किया मोदी जी की स्टेटमेंट को कि नेक्स्ट सेंचुरी इज एशिया और इंडियन सेंचुरी, वो किस तरीके से कि चंद्रयान 3 चांद के उस हिस्से में उतरा है जाके जहां ना आज तक रशिया, अमेरिका और चाइना नहीं उतर सके, और $75 मिलियन के खर्चे पर वो वहां गया। सो दिस इज अ टेस्टमेंट, दिस इज लिविंग प्रूफ द नेक्स्ट सेंचुरी इज इंडियन सेंचुरी। तो इन सर्कमस्टांसिस में आप मुझे यह बताएं कि पाकिस्तान की इकॉनमी के हालात, मैं ना पाकिस्तान बैशिंग या उसका कंपैरिजन में बनता। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार से अमेरिका के लोग ये कह रहे हैं कि हमें मोदी जैसे प्रधानमंत्री की जरूरत है। यहाँ पे अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ये कह रही है कि मोदी जैसे प्रधानमंत्री होना काफी गर्व की बात है, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि मोदी जी के जो निर्णय है और उनकी सरकार चलाने की जो भी क्षमता है वो काफी अच्छी है, और इसी वजह से मोस्ट लव्ड पीएम और मोस्ट पावरफुल पीएम में मोदी जी शुमार है, और इस वक्त लगातार जो है मोस्ट जो पावरफुल लीडर्स हैं उनमें मोदी जी लगातार आते रहे हैं, और इसी वजह से अब अमेरिका के लोग भी कह रहे हैं कि मोदी जैसे प्रधानमंत्री हमारे देश को भी मिलना चाहिए। दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू एंड बाय।